दोस्तों, जीबीपी डॉलर एंड जीबीपी आईएनआर वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of December 2023 एंड आई एम योर होस्ट आशीष। ये सीरीज पिछले हफ्ते से हमने चालू किया, जहां पे हम एक्सक्लूसिवली एक करेंसी पेयर के ऊपर हम एनालाइज करते हैं। तो जीबीपी डॉलर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.2546। एक नेगेटिव कैंडल जो आपका प्रीवियस ग्रीन कैंडल के काफी नीचे आके क्लोज दिया हुआ है। प्रायर टू डेट तीन हफ्ता बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स फॉर्म्स हुआ था एंड करंट वीक का जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ। ये इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशंस जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीक में भी डिस्कस किया, डेली एनालिसिस में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक तो है प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्लस आपका ये जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट, कौन सा फिफ्थ रिट्रेसमेंट, आपका 10th जुलाई से 2nd अक्टूबर का जो ये डिक्लाइन है, इस डिक्लाइन का 61.8% में नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, दैट टू ऑन ए वीकली बेसिस। प्लस आपका ये जो RSI टुक रेजिस्टेंस एट 60, इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी, प्राइस एक्शन, फिव रिट्रेसमेंट लेवल एंड RSI एट 60, तीन इवेंट का एक ही प्लेस पे कंजंक्शंस हुआ है, इसका इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। और भी ज्यादा थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए पहले हम मंथली पे चलते हैं। मंथली जो नवंबर मंथ का जो कैंडल है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। एंड उससे पहले तीन महीना, दैट मीन्स अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर का नेगेटिव कैंडल था, जहां पे अगस्त एंड सितंबर में स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव था एंड अक्टूबर में एक पिन बर कैंडल बना, फॉलोड बाय नवंबर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ये बुलिशनेस का कंटिन्यूएशन के ऊपर भी सर्टेन कंडीशंस है, वो हम सब्सिक्वेंटली जब जब मौका मिलेगा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन RSI एट 49.86, इन बिटवीन 40 एंड 60, यानी मंथली पर्सपेक्टिव में ऊपर जाने का भी रूम है और नीचे आने का भी रूम है। ये हो गया मंथली पर्सपेक्टिव। वीकली हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी आते हैं डेली डेली चार्ट में। आप देखोगे कि 28 नवंबर एंड 29 नवंबर में जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल पे आके हॉल्ट किया, उसके बाद क्या प्राइस एक्शन किया, उसके बाद आपका जो प्राइस एक्शन है वो है आपका एम पैटर्न्स। एम पैटर्न का ये जो 1st दिसंबर का कैंडल का लो था, इट वाज वेरी क्रूशियल। इसके लो के नीचे एक सेलिंग आ सकते हैं, लेकिन ये जब सेलिंग आएगा, वन साइडेड स्ट्रॉन्ग डाउन मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इसका मेन कारण क्या है, ये जो अप मूव फ्रॉम 26th अक्टूबर टिल 29th नवंबर, एक महीने का जो एक अपवर्ड मोमेंटम आया है, सो यहाँ पे काफी सपोर्ट एरियाज फॉर्म हुआ है। जब जब जैसे जैसे प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आएगा, बायर्स विल ट्राई टू सपोर्ट और होल्ड बैक द मूव। अभी ये 1st दिसंबर के लो के नीचे एक सेलिंग था, जहां पे सेंटर बैंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट, फॉलोड बाय ए माइनर सपोर्ट एट 1.248090। उसके बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट डेली पर्सपेक्टिव में सपोर्ट हो सकते हैं वो है आपका 1.2375 से 1.2420। ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल है।
वन मोर एस्पेक्ट इज आरएसआई। आरएसआई पहले क्या था? बिलो 40 था, टुक सपोर्ट एट 40, मूव्ड हायर, टुक रेजिस्टेंस, थोड़ा टाइम पास किया, मूव्ड अबव 60, कहां तक गया? आपका 73 तक गया। उसके बाद थोड़ा टाइम पास करके अभी क्या कर रहा है? अभी का जो ये है, आप देखोगे कल और परसों यानी 7th दिसंबर एंड 8th दिसंबर में ये 60 के पास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। दैट मींस इट्स ए रेंज शिफ्ट, यानी डेली पर्सपेक्टिव में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग बायसेस हो सकते हैं। दैट बीइंग द केस, ये जो फ्राइडे का कैंडल है इसका लो बिकम्स क्रूशियल। इसके लो के नीचे एक सेलिंग मोमेंटम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जीबीपी आईएनआर। आपका जीबीपी आईएनआर का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 104.65। इसका अगर हम फिर रिट्रेसमेंट्स करेंगे, जुलाई टू अक्टूबर का जो डाउनवर्ड मूव है वो रिट्रेसमेंट जो है आपका 61.8% में नहीं दिया है, रदर इट टुक रेजिस्टेंस एट 78.6 एंड उस जोन पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है वीकली बेसिस पे। एंड आरएसआई आल्सो मींस 62 लेवल पे रेजिस्टेंस लेके अभी 56.60 पे है। सो वीकली पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रहे हैं। अभी आते हैं मंथली जीबीपी आईएनआर। मंथली जीबीपी आईएनआर का अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो नवंबर का जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है उसके हाई के ऊपर हमें एक अपवर्ड बायस हो सकता है, लेकिन वो अपवर्ड बायस के साथ साथ इमीडिएटली एक हाई भी है, दैट इज 106.70 से 107.00। जब तक इस जोन को क्लियर नहीं करते, रेजिस्टेंस एरिया को क्लियर नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पे ज्यादा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक बार मंथली कैंडल स्ट्रॉन्गली इस जोन के ऊपर क्लोज दे देते हैं तो हायर पर्सपेक्टिव में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मेनली एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आने वाले 3-4 महीने में क्या जीबीपी आईएनआर साइडवेज कंसोलिडेशन करते हैं विद इन ए सर्टेन रेंज से 101.00 से 107.00? आप बोलोगे 7 बेगी का डिफरेंस, यस मंथली पर्सपेक्टिव है। अगर कंसोलिडेट करते हैं उसके बाद जो बायस होगा वो होगा ऊपर की तरफ। बट अगर ये कंसोलिडेट ना करते हुए नवंबर के लो के नीचे आइदर इन द मंथ ऑफ दिसंबर और इन द मंथ ऑफ जनवरी इस नवंबर मंथ के लो के नीचे क्लोज देते हैं, इन सच ए केस फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते। सो मंथली जो कुंडली है यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया पे है, वीकली का जो कुंडली है यानी चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एक ट्रिपल नेगेटिव एरिया, प्राइस एक्शन, आरएसआई एंड फिब रेजिस्टेंस, ट्रिपल नेगेटिव एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है। अब ये आते हैं डेली। डेली का जो प्राइस एक्शन है जैसे जीबीपी डॉलर था वैसे ही 28 नवंबर एंड 29 नवंबर को जो रेजिस्टेंस जोन था वहां पे सलाम ठोकने के बाद प्राइसेस आर मेकिंग लोअर हाई लोअर। ये हो गया फ्राइडे तक का प्राइस एक्शन। अभी हमें देखना है मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या देख सकते। मंडे ऑनवर्ड्स देखने के लिए आरएसआई अगर आप देखोगे बिलो 40 से अबव 40 गया, रेजिस्टेंस 60 में लिया, नीचे आया, फिर 60 को ब्रेकआउट करके ऊपर गया, काफी टाइम के लिए सस्टेन किया, अभी बिलो 60 आने के बाद 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है। दैट मींस इट्स ए परफेक्ट रेंज शिफ्ट। ये रेंज शिफ्ट का जो स्टॉप लॉसेस होगा यानी रेंज शिफ्ट, नेगेटिव रेंज शिफ्ट मींस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी का पर्सपेक्टिव है।
इस पर्सपेक्टिव का जो स्टॉप लॉसेस होगा जब RSI डेली RSI अबव 60 में जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा, इन सच केस हमारा RSI बेस्ड स्टॉप लॉस। तो हमें यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज सर्च करना है। सर्च करने के लिए अभी जो फ्राइडे का लो है इसके लो के नीचे एक छोटा सेलिंग बायस हम देख सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 103.80 से 104.00। यहां पर भी सिमिलर एनालिसिस, ऑल्दो वी आर लुकिंग सम सॉर्ट ऑफ बेयरिश सेंटीमेंट, लेकिन उसका पहले का जो प्राइस एक्शन है एक अपवर्ड मूव गया है। कहां से? अक्टूबर, मिड अक्टूबर से नवंबर मिड तक। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे प्राइस नीचे के तरफ आएगा बायर्स विल ट्राई टू डिफेंड द एग्रेशन, मींस डिफेंड द पॉजिटिव मूव। इसके जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे डिफरेंट लेवल्स पे हमें सपोर्ट मिलेगा। ये हो गया आपका तीनों टाइम फ्रेम का एनालिसिस। नाउ द क्वेश्चन इज मंडे ऑनवर्ड्स क्या देखना है। मंडे ऑनवर्ड्स देखने के लिए हमें क्या करना है कि डेली पर्सपेक्टिव में शॉर्टर टर्म में हमें थोड़ा सा सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। विथ ए स्टॉप लॉस RSI अबव 60 में जाके क्लोज देगा तो हमारा ये जो सेलिंग बायस है वो निगेट करेगा। ये हो गया हमारा मंडे ऑनवर्ड्स GBP INR का एनालिसिस। अभी आते हैं GBP डॉलर का क्या इंटरप्रिटेशन है। GBP डॉलर का भी सिमिलर लाइन एंड लेंथ है। हम यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। विथ ए स्टॉप लॉस क्या है? RSI डेली RSI अबव 60 में जाके क्लोज देगा तो हमारा ये जो अप्रोच है ये निगेट कर जाएगा। इन सच केस वी विल स्टॉप लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन ए डेली पर्सपेक्टिव। सिमिलरली वीकली पर्सपेक्टिव में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब देखना बंद करेंगे? जब RSI करेंटली जो 53.50 है ये अबव 60 में जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, तब जाके हम क्या करेंगे इसका सेलिंग वीकली पर्सपेक्टिव में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट को एज फार एज GBP डॉलर एंड GBP INR कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में हमने कभी भी कुछ सेलिंग टिप्स या सेलिंग कॉल नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा ये अप्रोच नहीं है कि हम यहाँ पे आपको टिप प्रोवाइड करें। रेदर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्राइस एक्शंस। जब आप इसको रेगुलर बेसिस में ऑब्जर्व करने जाओगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट को मैं पसंद करता हूं देखने का। सो यहाँ पे ये जो GBP डॉलर एंड GBP INR का वीकली एनालिसिस है अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो मेरा अप्रोच है एक्सक्लूसिवली दोज पीपल हु वांट टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन GBP डॉलर एंड GBP INR, ये प्रेजेंटेशंस आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द एंटायर पर्सपेक्टिव, जहां पे हम GBP डॉलर, डॉलर इंडेक्स, डॉलर रुपी, यूरो डॉलर, डॉलर इन कैंडी, CNH, 10-year ट्रेजरी, ब्रेंट क्रूड सब हम देखने का प्रयास करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। विशिंग यू ऑल ए नाइस, बाय बाय।